कुछ कहानियाँ होते हैं जिसको देखने के बाद हम थोड़े टाइम के लिए उस कहानी से और कहानी के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो कहानी है जो शायद मुझे याद भी ना हो, पर उस कहानी में तुम थे। बस याद है तुम्हारी झलक। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और पूछूंगा। क्या पूछूंगा? योर नेम? कह भी दो अब क्या है तुम्हारा नाम। ढूंढूं तुम्हें मैं सुबह से लेके शाम, पर तुम ना मिलो। दूर मुझसे बैठे क्यों भला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं योर नेम नाम की एक जापानीज एनिमेटेड मूवी के कहानी को। देखिए, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन वन बाय वन हर सीन तो नहीं करेंगे, लेकिन कहानी को समझाने के लिए और जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मूवी में से कुछ सीन स्किप हो सकते हैं या मेरे खुद के कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी हो सकते हैं, ताकि आप मूवी को नहीं सिर्फ कहानी को समझ सके और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में एक लड़की सोकर उठती है जिसका नाम मिचुआ होती है, जो इतोमोरी नाम के एक गांव में रहती है, जिसको लगते हैं कि वो एक सपना देख रही थी, लेकिन हमेशा उसको उठने के बाद सपना याद नहीं रहती। ठीक उसी तरह ताकी नाम का एक लड़का जो टोक्यो शहर में रहता है, उसको भी नींद से उठने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे वो सपना देख रहा था और उसको कुछ भी याद नहीं है। दरअसल रात में जब ये दोनों सो जाते हैं, ये अपने शरीर बदलते हैं, यानी अगले दिन ताकी जो टोक्यो शहर में रहता है वो मिचुआ के शरीर में चला जाता है और उसकी इतोमरी गांव की जिंदगी जीता है। वही मिचुआ ताकी का शरीर में आ जाती है और टोक्यो शहर में अपने जिंदगी जीती है। जब फिर से अगले दिन वे सोकर उठते हैं, फिर अपने शरीर में लौट आते हैं, लेकिन उन लोगों को पिछले दिन की कोई भी घटना याद नहीं रहते। ये हमेशा होता है, जिससे धीरे धीरे वे इस घटना को समझ जाते हैं कि वो सोने के बाद एक दूसरे के शरीर बदलते हैं और एक दिन के लिए एक दूसरे की जिंदगी जीते हैं। वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने और एक दूसरे के जिंदगी के बारे में बेहतरीन से जानने के लिए मैसेज छोड़ते हैं, जिससे उन लोगों को आसानी होते हैं एक दूसरे की जिंदगी के बारे में और बेहतर से जानने के लिए, क्योंकि उठने के बाद दोनों को कुछ भी याद नहीं रहते। एक दिन मिचुआ ताकी के लिए मैसेज छोड़ते हैं और उसमें लिखा होता है उसके साथ काम करने वाले ओकुदरा, जिससे ताकी बहुत पसंद करता है, उसके साथ मिचुआ ने ताकी की डेट फिक्स कर दी है। ताकी इस बात से बहुत खुश हो जाता है, वो ओकुदरा से मिलने जाता है। वही दूसरी तरफ मिचुआ को दिखाती है जो इन दोनों को डेट फिक्स करने के बाद बहुत ही दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं ताकी को पसंद करने लगी थी। वो दूसरी तरफ ताकी और ओकुदेरा पूरे दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ताकी डेट के बाद मिचुआ के मैसेज चेक करने के बाद उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे फोन नहीं लगती। इसके बाद बहुत दिन हो जाते हैं, ताकी के शरीर में मिचुआ नहीं आती, ना ही मिचुआ के शरीर में ताकी जाता है। इस बात से ताकी बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसको मिचुआ की आदत होने लगा था, साथ ही साथ अब वो उसे मिस करने लगा था। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं मिचुआ को ढूंढने की और वो निकल पड़ता है मिचुआ को ढूंढने। ताकी को मिचुआ के एड्रेस प्रॉपर से नहीं पता था, फिर भी बहुत मुश्किल के बाद वो इतोमोरी पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज से 3 साल पहले यानी कि सन 2013 को इतोमोरी गांव में एक बहुत बड़ा धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा था, जिससे पूरे गांव तबाह हो गए और वहां पर रहने वाले सारे लोग मर गए। अब ताकी उस जगह जाते हैं जहां इतोमोरी शहर था और वो देखता है कि जहां इतोमोरी था वहाँ धूमकेतु ने एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया है जो अब एक झील बन चुका है। वो हैरान था कि अगर 3 साल पहले वो मर गई थी तो वो कुछ दिन पहले उनके बॉडी में कैसे आ रही थी। तब बाद में जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग अलग अलग टाइम में बॉडी एक्सचेंज कर रहे थे, यानी बॉडी एक्सचेंज करके ताकि 2016 से 2013 की मिचुआ के शरीर में ज्यादा था, और जिस दिन मिचुआ मर गई थी उस दिन से उनके शरीर भी एक्सचेंज होना बंद हो गए थे। वो मिचुआ की मैसेज अपने फोन में चेक करता है जो अब गायब हो गए थे। इसके बाद एक दिन ओकुदेरा ताकी को पूछती है ये जो तुम्हारे हाथ में है ये क्या है। तब ताकी जवाब देता है कि आज से 3 साल पहले सन 2013 में मैं एक अनजानी लड़की से मिला था जिससे मैं नहीं जानता था, उसी ने मुझे ये दिया है, मैं इसे अपना लकी समझ के अपने साथ हमेशा रखता हूँ। तब ताकी को एहसास होता है कि वो लड़की असल में मिचुआ थी जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, लेकिन तब उसे कुछ समझ ही
नहीं आया था क्योंकि तब तक मिचुआ के साथ वो सब हो रही थी, लेकिन ताकी के साथ वो नहीं हुआ था क्योंकि उन लोगों के टाइम अलग अलग थे। मिचुआ के साथ बॉडी एक्सचेंज 2013 में हुई थी, जो कि ताकी के साथ बॉडी एक्सचेंज 2016 में हुआ था। इसके बाद ताकी फिर से उस जगह जाता है जहाँ इतोमोरी शहर तबाह हुआ था। उसे ये याद आता है कि एक बार मिचुआ ने बताई थी कि उन लोगों ने एक पुराने रिवाज किए थे जहाँ उनके गाँव वाले मानते थे अगर कोई इस रिवाज के जरिए अपने सबाए हुए सावल को लिक्विड करके एक जगह छुपाते हैं तो उसके मरने के बाद कोई भी ये लिक्विड पीता है तब वो उनसे बात कर सकेंगे। ताकी उस लिक्विड को ढूंढ के उस लिक्विड को पी लेता है। उस लिक्विड को पीते ही ताकी को मिचुआ के सारे यादें आने लगते हैं। वो देखता है कि कैसे मिचुआ इतोमोरी गांव में अपनी जिंदगी बिताई थी, वो कैसे बरी हुई थी, और साथ ही ये भी देखता है कि जिस दिन धूमकेतु गिरने वाला था उस दिन मिचुआ उससे मिलने टोक्यो आई थी। वो उसे ट्रेन में मिली भी थी जहाँ ताकी ने मिचुआ को नहीं पहचाना था। मिचुआ ने जाने से पहले उसे अपने बालों से निकल कर एक धागा दी थी और कही थी, मुझे याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे, मुझे भूलना मत, मुझे हमेशा अपने यादों में रखना। और उसी दिन धूमकेतु गिरता है और पूरे इतोमोरी गांव को तबाह कर देता है, जहां मिचुआ के साथ सारे गांव वाले मर जाते हैं। इसके बाद लिक्विड पीने के वजह से ताकी फिर से मिचुआ के शरीर में चला जाता है और वो जाके सारे गांव वालों को बता देता है, आज इतोमोरी गांव में एक धूमकेतु गिरने वाला है जिससे हम सभी मरने वाले हैं, इसलिए हम सभी को यहां से एक सेफ जगह जाना होगा। इसके बाद मिचुआ के साथ सारे गांव वाले एक सेफ जगह में चला जाता है और इतोमोरी पे उस दिन धूमकेतु गिरता है, लेकिन मिचुआ के साथ साथ पूरे गांव वाले बच जाता है। इस घटना के बाद मिचुआ और ताकी अपने अपने टाइम में जिंदा रहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 2016 के प्रेजेंट टाइम में मिचुआ जिंदा है और कहीं अपनी जिंदगी जी रही है। क्योंकि 3 साल पहले 2013 में जब धूमकेतु गिरे थे तब ताकी मिचुआ के शरीर में जाके उन लोगों को बसा लिए थे, लेकिन जैसे ही लिक्विड के असर खत्म होते हैं ताकी सब कुछ भूल जाता है, वो किस लिए इतोमोरी गांव में आया था, और साथ ही मिचुआ भी भूल गई थी ताकी को। अब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन गए थे क्योंकि अब दोनों को एक दूसरे के शरीर एक्सचेंज होना भी बंद हो गए थे और उन लोगों की यादें भी मिट गए थे। इसके कुछ साल बाद एक दिन मिचुआ किसी काम से टोक्यो शहर गई थी, वहाँ फिर से मिचुआ और ताकी एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन दोनों को एक एहसास था, शायद दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन याद नहीं है कहाँ कैसे मिले थे। उसी वक्त ताकी मिचुआ को देख के बोलता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, और मिचुआ जवाब देती है, शायद हाँ, मैं भी तुम्हें जानती हूँ। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम, और मूवी यही खत्म हो जाता है। तो ये है कहानी योर नेम, जैपनीज एनिमेटेड मूवी का। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही कमेंट में अपना राय देना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।